मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन पहुंचे क्रांति सेना के प्रदेश महासचिव मनोज सैनी व अन्य पदाधिकारी, जहां पहुंचकर उन्होंने भगवान परशुराम के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले जयवीर ठाकरान के खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। क्रांति सेना के प्रदेश महासचिव मनोज सैनी ने अवगत कराया कि जयवीर ठाकरान ने भगवान परशुराम को हत्यारा बताया है, जिसकी वजह से क्रांति सेना के पदाधिकारी आहत हुए और कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि जयवीर ठाकरान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ में खड़े हुए। आज हमने फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होती हुई देखी, जिसमें एक जयवीर ठाकरान की पोस्ट पर भगवान परशुराम जी के बारे में बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी हुई थी, जिससे हम लोग बहुत आहत हुए और हमने उसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर आज एक प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया है। और जयवीर ठाकरान का जो फेसबुक अकाउंट है, उसमें केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के साथ में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि संजीव बालियान जी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या ये आपका समर्थक है, इस तरह से आपके नाम को भी बदनाम कर रहा है, जो आपके फोटो पेपर में लगा के इस तरह की भद्दी टिप्पणी भगवान परशुराम जी के खिलाफ इन्होंने की, बहुत ही ज़्यादा अशोभनीय है और बहुत ही अपमानजनक हमारे लिए। क्या लिखा है उसमें? इन्होंने भगवान परशुराम जी के बारे में डाकू और हत्यारा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, और जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कि भगवान परशुराम जी सर्व समाज के मान्य है और सभी के लिए पूजनीय है। कौन है ये जयवीर ठाकरान? इसकी जो फोटो है, फोटो में संजीव बालन जी के बाद में खड़ा होने आ रहा है, होस्ता संजीव बालन जी समर्थक हो या भाजपा का समर्थक हो और या कोई हाफ माइंड व्यक्ति हो, ये तो जांच का विषय है कौन व्यक्ति है। संजीव बालियान के साथ भी उसका फोटो है, जो भी बीजेपी से चेयरमैन बनी है उनके साथ भी उनके फोटो है। नहीं, जो सोशल मीडिया पर जो फोटो लगा हुआ है फेसबुक पर, माननीय बालियान जी के बराबर में खड़े नजर आ रहे हैं। क्या लगता है, क्या किसी राजनीतिक से है ये बीजेपी से संबंध? मतलब जांच का विषय, मुझे व्यक्ति लगता है, ऐसा व्यक्ति किसी राजनीतिक पार्टी में क्या होगा, परंतु अगर बालियान जी का फोटो बराबर में आ रहा है तो माननीय बालियान जी को उस चीज़ में क्लियरनेस करनी चाहिए कि इसमें कोई ये आपका आदमी है, आपका समर्थक कार्यकर्ता है, नहीं है। किस तरह की कार्रवाई चाहता है? हम चाहते हैं खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर जेल भेजा जाए ना, ताकि ये भविष्य में किसी के खिलाफ भी इस तरह की टिप्पणी ना कर सके। और अभी देखने में आया, कुछ दिन पहले इन्होंने ठाकुर समाज के खिलाफ भी कोई टिप्पणी की थी, ऐसी चीज़ भी अभी एक फेसबुक पर देखने में आई थी। ऐसा व्यक्ति जो है समाज में द्वेष की भावना फैला रहा है और समाज की सभी जातियों को उससे बड़ी परेशानी है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।